पिछले 3 सालों में हिंदुस्तान अफगानिस्तान की दोस्ती मजबूत हुई है, यही इन दिनों मोदी का ट्रंप कार्ड साबित हो रहा है। दरअसल अमेरिका को साउथ एशिया में और खास तौर पर तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में अपने आप को मजबूत करने के लिए अब भारत की मदद चाहिए, इसलिए ट्रंप की साउथ एशिया नीति में भारत सबसे बड़ा साथी बनने वाला है। तो पिछले 1 साल में भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत हुए हैं, इतने मजबूत कि चीन जैसे देशों की नींद उड़ गई है। दुनिया ने इस दोस्ती के कई सबूत देखे। हाल ही में ये दोनों देश एक दूसरे के नजदीक कैसे आए और क्यों हिंदुस्तान को ही एशिया का सबसे भरोसेमंद साथी बनाने जा रहा है अमेरिका, देखिए रिपोर्ट। दोस्ती का सबूत नंबर 1। दोस्ती का सबूत नंबर 2। दोस्ती का सबूत नंबर 3। दोस्ती का सबूत नंबर 4। दोस्ती का सबूत नंबर 5। प्राइम मिनिस्टर मोदी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। इट्स अ ग्रेट ऑनर टू वेलकम द लीडर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। During my campaign, I pledged that if elected, India would have a true friend in the White House. Dosti ka saboot number 6. Dosti ka saboot number 7. Dosti ka saboot number 8. Dosti ka saboot number 9. और दोस्ती का सबूत नंबर 10। Together our countries can help chart an optimistic path into the future, one that unleashes the power of new technology, new infrastructure, and the enthusiasm and excitement of very hardworking and very dynamic people. ये तो सिर्फ झांकी है, दुनिया को पूरी पिक्चर दिखा दे। तुषार वो भी इस अटूट दोस्ती को देखकर हैरत में डूब जाए। ये दोस्ती पिछले 1 सालों में और मजबूत हो गई, इतनी मजबूत कि इसे पीएम मोदी का ट्रंप कार्ड मानने पर मजबूर हो गई दुनिया। एशिया में भी चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की भी नींद इस दोस्ती ने उड़ा दी है। ये दोस्ती वक्त के साथ और कैसे अटूट हो गई, जरा ये भी देखिए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिकॉर्ड 8 बार मुलाकात। पीएम मोदी ने सिर्फ 3 सालों में 3 बार वॉशिंगटन का दौरा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 2015 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने। अब जरा ये भी समझाते हैं कि कैसे ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती पुरानी सरकार के रिश्ते से भी ज्यादा मजबूत हो गई। ट्रंप ने पूरे चुनाव में मोदी के चुनावी नारों की कॉपी। ट्रंप का नारा था, अब की बार ट्रंप सरकार। पूरे चुनाव में ट्रंप ने मोदी का जिक्र किया। G20 सम्मेलन के दूसरे दिन ट्रंप ने राष्ट्राध्यक्षों की भीड़ में खुद पीएम मोदी से आकर मिले। इसी साल जून महीने में ट्रंप ने मोदी के अमेरिका दौरे पर उनका भव्य स्वागत किया। ट्रंप की बेटी और उनकी पत्नी ने भी मोदी की तारीफ की और उनसे मिले। ये मुलाकात पूरी दुनिया में सुर्खियां बनी। मतलब अब मोदी ट्रंप की मजबूत दोस्ती के लिए और सबूत नहीं चाहिए। यही नहीं, अब तक ट्रंप मोदी की 3 औपचारिक मुलाकातें अब तक हो चुकी। इसके अलावा कई मंचों पर अनौपचारिक मुलाकातें भी। हर मुलाकात एक दोस्ती की कहानी बयां कर रही है। तो तैयार हो जाइए इस दोस्ती के नए आयाम से तारुफ होने के, क्योंकि मोदी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले ट्रंप कार्ड। कैसे ट्रंप बनेंगे मोदी के लिए ट्रंप कार्ड, कैसे दुनिया और खास तौर पर एशिया में ये दोस्ती मील का पत्थर साबित होगी, बताएंगे विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ। तो भारत ने जिस तरह अफगानिस्तान का भरोसा जीता, उसी की राह पर चलकर अमेरिका भी अफगानिस्तान का भरोसा जीतना चाहता है, ताकि वहां से तालिबान से मुकाबला किया जा सके। हाल ही में आसियान में इसी को लेकर भारत और अमेरिकी विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई, जो बताती है कि अमेरिका अब अफगानिस्तान में अपनी रणनीति बदलने जा रहा है।
यही तो है मोदी का ट्रंप कार्ड। तो अगर पूरी तरह अमल में आ गया तो चीन, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों का ये सब बुरे सपने जैसा होगा। भारत अमेरिका की दोस्ती हुई और मजबूत। भारत की राह पर चलेगा अमेरिका। मोदी की दुनिया नीति में अमेरिका सबसे अहम। ट्रंप की साउथ एशिया नीति में भारत सबसे अहम। भारत और अमेरिका मिलकर करेंगे अफगानिस्तान की मदद। भारत और अमेरिका मिलकर सिखाएंगे तालिबान को सबक। मनीला, जहां आसियान देशों के विदेश मंत्री मिले, इसी बैठक में भारत से पहुंचे विदेश राज्य मंत्री और पूर्व जनरल वीके सिंह, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल हुए। इस आसियान देशों के सम्मेलन में भारत के विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह और अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये तो थी जिसने भारत अमेरिका के रिश्तों में नया आयाम जोड़ दिया। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जहां ट्रंप प्रशासन अफगानिस्तान में चल रहे दशकों पुराने युद्ध से निपटने के लिए नई साउथ एशिया नीति पर काम कर रहे हैं। कुछ वैसा ही जैसा अब तक भारत की नीति रही है। Prime Minister Modi, thank you for being here with us today. It's a great honor to welcome the leader of the world's largest democracy to the White House. I have always had a deep admiration for your country and for its people, and a profound appreciation for your rich culture, heritage, and traditions. This summer, India will celebrate the 70th anniversary of its independence, and on behalf of the United States, I want to congratulate the Indian people on this magnificent milestone in the life of your very, very incredible nation. अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते जब भारतीय विदेश मंत्रालय और थिंक टैंक आनंद सेंटर की तरफ से डेट ट्रैक डायलॉग का आयोजन किया गया। इसमें अमेरिकी सीने, पेंटागन और एनसीसी यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सभी वरिष्ठ सदस्यों ने हिस्सा लिया। साउथ एशिया एक्टिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिस वेल्स, एनसीसी के सीनियर डायरेक्टर लीसा कर्टिस और पेंटागन की कारा एब्राक्रॉम्बी ने विदेश सचिव जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल समेत अन्य से मुलाकात की थी। अब आप सोच रहे होंगे किस मुलाकात और मनीला में हुई जनरल वीके सिंह और अमेरिकी विदेश मंत्री की मुलाकात का क्या ताल्लुक है। दरअसल ट्रंप की साउथ एशिया ऑफ पाक नीति को लेकर हुई है, जिस पर भारत की नजर है। भारत इसमें काफी दिलचस्पी ले रहा है। पिछले हफ्तों ही इंडो यूएस फोरम में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, हम अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और लोकतंत्र को संरक्षित करने के लिए अमेरिका द्वारा किए गए बलिदानों की सराहना करते हैं और अमेरिका इसी तरह अफगानिस्तान के मसले पर भारत से सहयोग चाहता है। इसकी खातिर उसे एशिया में एक ऐसी शक्ति की मदद चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके, जिस पर अफगानिस्तान को भी भरोसा हो और जिसका लोहा एशिया के बाकी देश भी मानते हो। ऐसे में अफगानिस्तान को लेकर काम कर रहे भारत से ज्यादा भरोसेमंद कोई और नहीं हो सकता। लिहाजा अफगानिस्तान को लेकर भारत ने अमेरिका की तारीफ और अमेरिका ने भारत की। अफगानिस्तान को मदद पहुंचाकर भारत तालिबान और पाकिस्तान दोनों की अक्ल ठिकाने लगाना चाहता है। The memory of the countless Afghan citizens and soldiers who made the supreme sacrifice and who paid a great price for building this great nation. All of us are aware there are still many challenges
that lie ahead of you. I'd like to take this opportunity to announce India's contribution of $1 million for your plan to develop this national flag monument site into a public area where people from all over Afghanistan can come and visit when they visit their capital city, Kabul. अफगानिस्तान को लेकर भारत की रणनीतिक समझने के लिए दो साल पहले चलना होगा। अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ मिलकर प्रधानमंत्री ने अफगानी संसद का उद्घाटन किया। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान में शांति और सद्भाव के लिए अफगानी राष्ट्रपति को विशेष मैसेज भेजा। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में दोनों की नजदीकियां दुनिया भर में सुर्खियां बनी थी। मोदी की राह पर चलते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विशेषकर अमेरिका अफगानिस्तान में सक्रिय रहा, जिससे पिछले 16 सालों के दौरान जो हासिल हुआ है वो नष्ट नहीं हुआ, उसे बचाया जा सका है। भारत ने अफगानिस्तान की सहायता के हाल में $1 अरब के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया है। विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते संसद को बताया कि बजट अनुमानों 2017-18 के तहत अफगानिस्तान को स्पॉट करने के लिए 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। The memory of the countless Afghan citizens and soldiers who made the supreme sacrifice and who paid a great price for building this great nation. All of us are aware there are still many challenges that lie ahead of you. I'd like to take this opportunity to announce India's contribution of $1 million for your plan to develop this national flag monument site into a public area where people from all over Afghanistan can come and visit when they visit their capital city, Kabul. अब जानकारी ये आ रही है कि ट्रंप अफगानिस्तान को लेकर नई नीतियों की तलाश में है, क्योंकि पुराने अप्रोच से अमेरिका के हित पूरे नहीं हो रहे। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप ने अपने सैन्य जनरलों से शिकायत की है कि अमेरिका अफगानिस्तान में जीत नहीं रहा है, लिहाजा उन सभी को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। लिहाजा ट्रंप और अमेरिका नए प्रयास और नए तरीकों पर विचार कर रहा है। नई नीति के तहत अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों को मजबूत करना, ट्रेनिंग से जुड़े मिशन को कम करना, इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे आतंकी समूहों का खात्मा और अब्दुल गनी सरकार को दक्षता के स्तर पर सुधार लाने के लिए प्रेरित करना शामिल है। अफगानिस्तान को लेकर ओबामा की नीति में शांति और सुलह प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। जहां एक और अमेरिका की इस नई नीति में एक उसका ज्यादा हित है, वहीं इसमें भारत की भूमिका बेहद जरूरी होने वाली है और इससे भारत का हित खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। भारत ने अफगानिस्तान का भरोसा जिस तरह से जीता है वो अमेरिका की मदद कर सकता है। नई अमेरिकी नीति को एक क्षेत्रीय संदर्भ के रूप में देखा जा रहा है, इसमें अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को भी शामिल करना ही होगा। अफगानिस्तान में तालिबान की मौजूदगी के दौरान नीति में इस तरह के बदलाव की प्रासंगिकता समझी जा सकती है। हालांकि अब तक अमेरिका सरकार ने नई नीति आधिकारिक तौर पर व्यक्त नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि ओबामा प्रशासन के इतर ये नीति अफगानिस्तान समय आधारित प्रयासों से खुद को दूर रख सकती है। अफगानिस्तान में नाटो कमांडर जनरल निकोलसन ने भी यहां चल रहे युद्ध को गतिरोध में फंसा बताते हुए कुछ हजार अतिरिक्त सैनिकों की मांग की है। निकोलसन ने फरवरी में कहा था कि आक्रामक क्षमता अफगानिस्तान में गतिरोध को खत्म करेगा। सूत्रों का कहना है कि नई नीति सैन्य बलों के बढ़ाने के दर और भी गहरी व व्यापक होगी। वर्तमान में अमेरिका या इस इलाके के संबंध में युद्ध का अंत स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। क्या अमेरिका तालिबान के खिलाफ युद्ध जीतने जा रहा है या तालिबान के साथ शांति समझौता होने जा रहा है, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं। लिहाजा अमेरिका के प्रयासों को जमीन पर उतरने में लंबा वक्त लग सकता है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता ने इस नीतिगत बहस को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम दक्षिण एशिया के लिए एक व्यापक और एकीकृत रणनीति विकसित कर रही है। ये नीति इस जटिल क्षेत्र की समस्याओं को संबोधित करने के लिए हमारी राष्ट्रीय शक्ति के सभी पहलुओं का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि नई रणनीति को काफी सावधानी पूर्वक बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका भारत की राह पर चलना तो चाहता है,
लेकिन इसमें बगैर भारत की मदद के उसकी कामयाबी मुमकिन नहीं। पिछले 3 सालों में भारत अफगानिस्तान दोस्ती का है। इसे असर मानिए कि साउथ एशिया में अमेरिका भारत को सबसे बड़े नीतिगत सहयोगी बना सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए बुरी खबर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।